यूपी में कुंभ 2025 की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज को भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि कुंभ का आयोजन भले ही 2025 में हो रहा हो, पर इसका असर 2027 विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, कलश यात्रा, सुंदर झांकियां, लोक नृत्य, शहनाई वादन और शंखनाद, लखनऊ में कुछ इस अंदाज में महाकुंभ अभिनंदन यात्रा की शुरुआत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तर्ज पर कुंभ अभिनंदन यात्रा को भी हर जिले में ले जाने की तैयारी है। अयोध्या के मंडल मुख्यालय पर रैली और क्लस्टर मीट से इसकी शुरुआत हुई है। मंडल से सभी जिला मुख्यालय तक ऐसे आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा लोगों के बीच महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। महाकुंभ में सनातन और हिंदुत्व की मिसाल पेश करने की तैयारी है। सरकार की ये कोशिश है कि कुंभ का आयोजन सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी यादगार बने। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विशेष रुचि लेकर लगातार 2019 में भी कुंभ का आयोजन यहां पर किया था, जब करोड़ों लोग दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से, जिसमें उन लोगों ने भाग लिया और हर्षोल्लास के वातावरण में उनको हर सुख सुविधा वहाँ पर प्रदान की गई और वो वहाँ से विदा हुए। इसी प्रकार इस बार भी आज जिसका शुभारंभ यहाँ से हुआ है, ये कुंभ 13 जनवरी को प्रारंभ होगा प्रयागराज में और ये 26 फरवरी तक चलेगा। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा गर्म है कि महाकुंभ का भव्य आयोजन 2027 विधानसभा चुनाव तक हिंदुत्व के माहौल को बनाए रखने में कारगर होगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह हमारी सनातनी परंपरा है, एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दिन हम पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों का आह्वान करते हैं कि आप भी इस मौके पर पधारकर कुंभ का भी आनंद लें और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर जिस प्रकार से वहाँ एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसके भागीदार बने। बीजेपी कुंभ के आयोजन में पिछली सरकार पर उदासीनता के भी आरोप लगाती रही है, लिहाजा योगी सरकार की कोशिश यही है कि सनातन और परंपरा के इस पर्व की पहचान पूरी दुनिया में और मजबूत हो। ऐसे धार्मिक माहौल में क्या हम माने कि इस कुंभ को लेकर के एक ऐसी पहचान भी देना जो 2027 तक भी याद रहे? देखिए, राजनीतिक तौर पर इसको देखने का प्रयास जरूर कुछ लोग करेंगे, लेकिन हम ये मानते हैं ये भारत की अस्मिता का मसला है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का मसला है। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि पिछले समय में कुछ राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए कुंभ को लेकर के जो उदासीनता बरती है, प्रयागराज को लेकर के जो उदासीनता बरती है, हमने इलाहाबाद का नाम केवल प्रयागराज बदला नहीं बल्कि उसको प्राचीन स्वरूप में वही तीर्थराज प्रयाग बनाने का प्रयास किया है। और इसलिए कुंभ के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जो सरकार को करनी है, सरकार ने वो सारी व्यवस्थाएं पिछले कुंभ में भी जुटाने का काम किया था और इस बार महाकुंभ है तो उसको और बड़े स्केल पर करने का काम कर रहे हैं। उधर विपक्ष भी बीजेपी और सरकार की मंशा को भांप रहा है। आयोजन भले ही सनातन की मजबूती के लिए है पर इसका कोई राजनीतिक फायदा न ले सके, कांग्रेस अभी से इसके जोड़ तोड़ में लगी है। उसकी पवित्रता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की, हम सब मिलकर सबकी, समाज में सभी बढ़ चढ़ कर महाकुंभ में जो आते हैं साधु संत, उनका स्वागत करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो ऐसे में कोई भी ऐसी बात शोभा नहीं देती जो किसी दूसरे जाति वर्ग के लोगों को, दूसरे वर्ग के लोगों को दुख पहुंचाए। सनातन धर्म कभी इसकी इजाजत नहीं देता। हम सरकार से मांग करते हैं कि महाकुंभ की पवित्रता सुनिश्चित करे, हमारा पूरी तरीके से सहयोग है, हम जहां पर भी जरूरत होगी संत समाज के लिए खड़े हैं। वैसे तो समय का निर्णय सबसे बड़ा होता है। हरियाणा में अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष की घेराबंदी के बावजूद हैट्रिक मारकर बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। अब उसी पकड़ का मजबूत स्तंभ महाकुंभ का आयोजन भी बनने जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।